देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। माँ ये क्या बोल रही हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैंने नहीं किया है कुछ भी। तुमने नहीं किया? सर अपने बाल पीछे करो। मैंने कहा बाल पीछे करो। तुम्हारी एक इयररिंग कहाँ है? इयररिंग यही था माँ, अभी यही था कहाँ? क्योंकि वो इयररिंग यहाँ। मेरी साड़ी में अटका था ये। और ये तुम्हारे कान से तभी गिरा होगा जब तुमने मुझे अगवा करने की कोशिश की होगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रुचिता? क्या लगा तुम्हें किसी को पता नहीं चलेगा? तुम मेरी चाय में बेहोशी की दवाई मिला दोगी, मुझे बेहोश करोगी और कचरे की गाड़ी में डाल दोगी। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए। मैं नहीं कर सकती माँ ऐसा। तुमने किया है ये रुचिता? अच्छा बताओ, तुमने नहीं किया तो किसने किया? किसने किया ये? चाय मेरे लिए कौन लेकर आया था सुबह? तुम लाई थी ना चाय कबली? माँ जी को आज सुबह चाय किसने बनाकर दी थी बताओ? इन्होंने बनाकर दी थी ना? देख लिया आप लोगों ने, ये सब कुछ इस रुचिता का किया करा है। इसने किया है मुझे अगवा। नहीं नहीं माँ। थैंक गॉड रुचिता की इयररिंग मिल गई। तुम किडनैप करने के बाद ये इयररिंग उस औरत की साड़ी में लगा देना, तब तक मैं किसी तरह उसका असली इयररिंग भी गायब कर दूंगी। हाँ मॉम, ये मेरी और दादी की जान खतरे में क्यों डालेगी? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वो मटके वाली जानबूझकर रुचिता को फंसाने की कोशिश कर रही है। नहीं निहार, मेरी बात मानो, यही है वो मटके वाली। और बल्कि मैं तो कहती हूँ इसके साथ कोई और भी है जो मिला हुआ है इस घर में और दोनों मिलकर तमाशा कर रहे हैं। नहीं मॉम, हम सबको डरा रहे हैं, मैं बर्बाद करना चाह रहे हैं। लेकिन अब और नहीं, कैसे बताऊं पूनम को कि वो रुचिता नहीं है? अब ये लड़की एक मिनट के लिए भी नहीं रहेगी इस घर में, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। और नहीं मॉम, एक बार ठंडे दिमाग से बात तो सोचिए मॉम। मेरी बात तो सुनिए मॉम, एक बार बात तो सुनिए मॉम। वो मटकी वाली औरत रुचिता नहीं है। कौन है वो दादी, आप जानती हैं उसे? नहीं, मैं नहीं जानती। पर माँ जी, अभी आपने बहुत विश्वास के साथ कहा था कि ये रुचिता नहीं है। विश्वास मुझे इस बात का है, वो मटके वाली औरत रुचिता नहीं हो सकती। हाँ, और अब इस बात को यहीं पर खत्म करो तुम लोग। माँ, अब
अपने ऊपर ये इल्ज़ाम हटाने के लिए मुझे उस मटके वाले का पर्दाफाश करना ही होगा। क्या करूं, कैसे पता लगाऊं उस मटके वाली लड़की को? रुचिता निहार जी, क्या हुआ निहार जी? आप ठीक है ना? अंदर आओ, अपने आप पता चल जाएगा। क्या हुआ निहार जी? या मेरी हालत खराब हो रही है और तुम्हें हंसी आ रही है रुचिता? सॉरी सॉरी निहार जी, मैं अब हंसना बंद करो और मेरी मदद करो। अच्छा ठीक है, आप पहले बाहर तो आइए। हाँ आ रहा हूँ। अब देख के एक एक, हाँ। एक मिनट, एक आइए इस तरफ, आइए आराम से। रुचिता, वो मॉम ने जो कुछ भी कहा प्लीज उसका बुरा मत मानना। नहीं नहीं हाल जी, मैं माँ की बात का कभी बुरा नहीं मान सकती। आखिरकार जो माँ को सबूत मिले वो किसी और को भी मिलते तो वो मुझ पे ही शक करता निहार जी। झूठ, अगर मॉम की जगह मैं होता तो मैं तुम पर कभी शक नहीं करता। निहार जी एक बात तो तय, वो मटके वाली लड़की हमारे आसपास ही बहुत करीब है। तभी तो चाय में नशे की दवा मिला देना और मेरी इयररिंग निकाल देना, इन सब का इंतजाम कैसे कर सकती है? सही कह रही हो तुम रुचिता। हमें बाहर जाना होगा, ये पता नहीं इतना धुआं। चलो ये सब उस मटके वाली ने किया, वो कहीं आसपास ही है। मैं सबको बुला के लाती हूँ। हाँ। अब आएगा असली मजा। मटका, ये रुचिता नहीं हो सकती। मुझे पता लगाना होगा कि ये कौन है।